जो बात करने जा रहे हैं यहाँ पर बाल व्यापार और बाल मजदूरी खिलाफ, जितनी भी बातें उठी हैं उस चीज़ का विचार विमर्श प्रश्न उत्तर एक दूसरों से बात करना, उस चीज़ के लिए हम यहाँ पर आए हुए हैं। बाल व्यापार एक बहुत खतरनाक चीज़ है। बाल व्यापार का अर्थ बाल यानी बच्चा, व्यापार यानी खरीद परोस, बच्चों का खरीद परोस यानी बाल व्यापार होता है। और आदमी का बाल व्यापार जिस तरीके से हो रहा है, जैसे जानवरों से भी कम कीमती आदमी बिके जा रहे हैं। जो बच्चे हैं उनको खरीद लिया जा रहा है, कोई कहाँ काम कर रहा है, कोई कहाँ काम कर रहा है। इस दुनिया के अंदर बहुत सारे 6.5 करोड़ से भी अधिक बाल मजदूरी कर रहे हैं। और ये बचपन जाओ आंदोलन ये मुद्दा लेकर खड़ा हुआ है। और इस बाल व्यापार और बाल मजदूरी को ख़त्म करने के लिए बचपन बचाओ आंदोलन ने इसके लिए कई यात्रा भी निकाली, शिक्षा यात्रा, ग्लोबल मार्च, बाल व्यापार विरोधी यात्रा। इनमें ये लोगों को ये जागरण करने के लिए कि बाल व्यापार बाल मजदूरी ख़त्म हो। बचपन चाहो आंदोलन इसके लिए हर जगह कार्य कर रहा है और ये हर जगह 144 देशों में चलाया जा रहा है। और ये हमारा ये संकल्प है कि बाल व्यापार मिटे। और बाल व्यापार मिटाने के लिए हमने 6 मुद्दे चुने हैं, जिसके लिए पहला शिक्षा। अगर हमें शिक्षा चाहिए, अगर शिक्षा होगी, शिक्षा के कारण ही गरीबी हो रही है और उसी से गरीबी होने से बच्चे बाल मजदूरी कर रहे हैं। शिक्षा ये है कि माता पिता पढ़े लिखे नहीं होते हैं और वो अपने कुछ समझते नहीं और वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, पाल पोस नहीं सकते, जनसंख्या विस्फोट कर लेते हैं, तो वो अपने बच्चों को कमाई करने के लिए एक दूसरे के यहाँ पर भेज देते हैं, वही बाल व्यापार हो जाता है। बच्चे यहाँ से एक राज्य से दूसरे राज्य, एक देश से दूसरे देश बिके जा रहे हैं। दूसरा मुद्दा है पुनर्वास। अगर बच्चे बाल मजदूरी से छूट रहे हैं तो उन्हें पुनर्वास की ज़रूरत है। अगर हम पुनर्वास नहीं देते हैं तो बच्चे फिर वही काम करेंगे, फिर वहीं पर आ जाएंगे और उनको जो हक है वो उन मिल नहीं पाएगा। पुनर्वास से ही होता है कि बच्चा अपना अधिकार जान जाता है कि मुझे क्या करना है, अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है, आगे क्या चलना है, आगे क्या करना है। तीसरा है कानून द्वारा। हमारे कानून के अंदर 23-24 के अनुच्छेद में लिखा है कि बच्चा 14 साल से कम उम्र का बच्चा बाल मजदूरी नहीं कर सकता, लेकिन ये हो रहा है। क्योंकि आज भी ये भी नहीं, जब बचपन चाहो आंदोलन स्टार्ट नहीं हुआ था तो कोई मानता नहीं था कि इस देश में बाल मजदूरी है, लेकिन बाल मजदूरी इतनी अधिक, बाल व्यापार इतना अधिक हो रहा है कि बच्चों को खरीद पोष जानवरों की तरह बिके जा रहे हैं, उनका हक छीन लिया जा रहा है। बच्चे पटाखा उद्योग में काम कर रहे हैं, कालीन में काम कर रहे हैं, जो उनको मिलना चाहिए, जितना जीना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा। चौथा है हमारा बच्चों की भागीदारी। अगर बाल मजदूरी या बाल व्यापार को मिटाना है तो लोगों की भागीदारी और बच्चों की भागीदारी चाहिए, और वो भागीदारी नहीं रहेगी तो कभी भी बाल व्यापार ना ही बाल मजदूरी मिटेगा, क्योंकि मिटाने वाले हम खुद हैं और हम ही इस संकल्प को लेकर खड़े हैं कि बाल व्यापार और बाल मजदूरी को ख़त्म करके नाश करेंगे, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा से जोड़ेंगे। पांचवा मुद्दा कंपनियों की सामाजिक हिस्सेदारी। हमने रैग मार्क का चिन्ह बना रखा है। रैग मार्क ये संकेत देता है कि वो बच्चों के बनाया हुआ चीज़ नहीं है, लेकिन आज फुटबॉल, पटाखे, कालीन हर चीज़ बच्चों के दोबारा बनाया जा रहा है। और जब तक हमारे साथ कंपनियां भागीदारी नहीं देंगी तब तक ये बच्चों के साथ ऐसी चीज़ें होती जाएंगी, इसीलिए हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि कंपनियों का भी साथ लेना चाहिए। छठा मुद्दा जनता के द्वारा, क्योंकि जो भारत देश में जो जनता है वो ही है, और शासन के द्वारा ना ही कोई राष्ट्रपति चला सकता, इस देश को चलाती है तो जनता ही चलाती है और जनता चाहे तो उस चीज़ को ख़त्म कर सकती है। तो हमें जनता की भागीदारी चाहिए, जनता ही हर चीज़ को कर सकती है। तो हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि बाल व्यापार को मिटा दें और इस दुनिया से ख़त्म कर दें, और हमारा संकल्प है कि हम बाल व्यापार को मिटाएं। धन्यवाद।